नमस्कार, मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज, 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज, आपके साथ में हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, हर तरफ G20 की कामयाबी की चर्चा हो रही है, दुनिया भर में हिंदुस्तान की तारीफ हो रही है, दुनिया भर में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ हो रही है। जिस तरीके से दिल्ली घोषणा पत्र पर सभी सदस्य देशों के बीच सहमति बनी, हर कोई ये मान रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की कोशिशों से ही ये मुमकिन हो सका। G20 की कामयाबी से दुनिया की राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद बढ़ा है और पूरी दुनिया मान रही है कि देश में लोग इसे महसूस भी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए यह बेहद खास हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े ब्रांड मोदी की चमक बड़ी है। G20 के जश्न में ब्रांड मोदी की चकाचौंध को बड़ी आसानी से महसूस किया जा सकता है और दुनिया की राजनीति के साथ साथ G20 की कामयाबी कैसे हिंदुस्तान की राजनीति में बड़े बदलाव के संकेत दे रही है, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताऊंगा, समझाऊंगा। G20 की कामयाबी का असर शेयर बाजार पर भी देखने को मिल रहा है। शेयर बाजार में निवेशकों का जोश हाई है, जोरदार खरीदारी देखने को मिल रही है। 10 सितंबर को G20 का कार्यक्रम पूरा हुआ, 11 सितंबर का दिन भारतीय शेयर बाजार के लिए ऐतिहासिक रहा है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स निफ्टी 20,000 के आंकड़े के पार कर गया। BSE सेंसेक्स एक बार फिर से 67,000 के पार जाने में कामयाब रहा। G20 के दौरान जिन बातों पर सहमति बनी, उनसे जुड़े सेक्टरों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। मसलन रेलवे सेक्टर हो, IB सेक्टर हो, बैंकिंग सेक्टर के शेयर कैसे बेहतर इकोनॉमिक्स हेल्थ की ओर इशारा कर रहे हैं, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा। G20 के जश्न ने देश के चुनावी माहौल को और ज्यादा गर्मा दिया है। जश्न के बीच BJP की चुनावी बैठकों का दौर जारी है। एक तरफ केंद्रीय चुनाव समिति की बैठकों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी ने बेहद खास बना दिया, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन को ऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक खास रही। कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक को लेकर दिन भर माहौल गर्म रहा है और बैठक में सीट शेयरिंग, साझा चुनावी रैलियों को लेकर बड़ा काम हुआ है। इंडिया गठबंधन की पहली अहम बैठक को लेकर किस तरह का सियासी खींचतान भी देखने को मिला है, आज आपको यह भी बताऊंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं, दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं, नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं, आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। G20 का आयोजन बहुत कामयाब माना जा रहा है, देश ही नहीं पूरी दुनिया में इसकी चर्चा भी हो रही है। दुनिया के 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों की बैठक हर लिहाज से कामयाब मानी जा रही है, चाहे वो रूस यूक्रेन युद्ध का मसला हो, चाहे वो ग्लोबल साउथ का मामला हो, चाहे पर्यावरण की चुनौती का मसला हो, या फिर इंडिया यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसी बड़ी आर्थिक योजना हो। हिंदुस्तान के हर पहल की तारीफ हो रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान ने एक पैरामीटर सेट कर दिया है, हिंदुस्तान ने G20 की पहचान को बहुत ज्यादा बड़ा बना दिया। दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है, ग्लोबल साउथ के देशों में हिंदुस्तान की जय जयकार हो रही है, हर कोई हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की तारीफ कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्माई व्यक्तित्व की वजह से ही यह मुमकिन हो सका और हर कोई मान रहा है
कि दुनिया की राजनीति में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद बड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति को बेजोड़ माना जा रहा है। एक झटके में पहले ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से दिल्ली घोषणा पत्र पर आम सहमति का ऐलान किया, बैठक से पहले जो सवाल सबसे बड़ा था कि प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले उसी का समाधान निकाला। दिल्ली घोषणा पत्र को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के ऐलान ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। आखिर कैसे हिंदुस्तान ने यह कमाल किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे सबको मनाने में कामयाब रहे, ये सवाल कूटनीति के जानकारों को लगातार परेशान कर रहा है और वैश्विक लेवल पर इस पर चिंतन मंथन का दौर जारी है। इन सबके बीच सेलिब्रेशन का दौर जारी है, हर कोई प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दे रहा है। भारत में G20 के आयोजन में पूरी टीम की तारीफ हो रही है जो इस टीम में जुटा हुआ था। ये वक्त जश्न का है, यानी G20 के जश्न का है। यह वक्त हिंदुस्तान की कामयाबी को सेलिब्रेट करने का है। G20 की कामयाबी हर हिंदुस्तान के लिए फक्र की बात है, हर हिंदुस्तानी के लिए फक्र की बात है। G20 की कामयाबी हर हिंदुस्तानी को अच्छा फील करवा रही है और यह मौका भारतीय जनता पार्टी के लिए और भी ज्यादा खास हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं का जोश हाई है, पार्टी को पूरी उम्मीद है कि ब्रांड मोदी को बहुत मजबूती देगा। आगे होने वाले चुनाव में इसका लाभ, इसका फायदा जरूर मिलेगा। G20 के कामयाब आयोजन के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी दफ्तर पहुंचे। इतनी बड़ी कामयाबी के बाद इस वक्त जब पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की बात हो रही है, प्रधानमंत्री मोदी को अपने बीच पाकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेताओं का जोश हाई दिखा, उनके चेहरे पर खुशी देखने लायक थी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगुवाई में हजारों कार्यकर्ता पीएम मोदी के भव्य स्वागत के लिए जुटे हुए हैं और इस दौरान बीजेपी दफ्तर में कई केंद्रीय मंत्री और सांसद मौजूद रहे। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी को सुनवाना चाहता हूं, वो इस मौके पर क्या कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने G20 की सफलता भारत में 2023 में वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर वसुधैव कुटुंबकम का सही मायने में अर्थ नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया को दिया। हमारे शास्त्रों में लिखा है अयम निजा परो व्यक्ति, ये मेरा है वो दूसरे का है, गणना लघु चेतसाम, ऐसी सोच बहुत छोटी बुद्धि वालों की है। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, और भारत ने अपने उदार चरित्र का परिचय दिया है। हम G20 में भारत की सफलता को सेलिब्रेट कर रहे हैं। कांग्रेस को किसने रोका सेलिब्रेट करने से? कांग्रेस को अगर देश को अपना समझना है तो मोदी जी की सफलता मत सेलिब्रेट करो, लेकिन देश की सफलता को तो सेलिब्रेट करो। मैं देख रहा हूँ यहाँ जितने लोग हैं, कोई हरियाणा से आया है, कोई उत्तर प्रदेश से आया है, कोई दिल्ली के गलियों से आया है। हम नरेंद्र मोदी जी को इसलिए सम्मानित करने आई हैं कि नरेंद्र मोदी जी का भारत के अध्यक्ष के रूप में एक भी प्रस्ताव, एक कौमा भी नहीं लगाया गया किसी देश के द्वारा, पारित हुए। और अब G20 G21 भी हो गया क्योंकि अफ्रीका यूनियन हमारे यहाँ शामिल हुआ। तो अगर इसको इतने जिनको काले देश अश्वेत देश कह करके दुनिया कई बार तिरस्कार करती रही, उसको भारत ने सम्मान दिया अफ्रीका यूनियन को, ये हमारे भारत के हर दलित शोषित पीड़ित के तरफ से भी मोदी जी का स्वागत है। और अगर इस पर भी विपक्ष को परेशानी है तो इसका मतलब कि विपक्ष की सोच बहुत छोटी हो गई।
सफलताओं का एक पूरी लिस्ट है प्रॉमिस है जो मोदी जी ने इस देश को दिए गौरव करने के लिए। हम सभी कार्यकर्ता भी बहुत गौरव के साथ बहुत उत्साह के साथ यहाँ उनकी एक झलक देखने के लिए आए हैं और हम सब बहुत निहाल हैं कि मोदी जी ने इतने बड़े बड़े काम करे हैं। मोदी जी जैसी लीडरशिप न भूतो न भविष्यति। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि G20 की कामयाबी के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश भर से लगातार बधाइयां मिल रही हैं। दुनिया के अलग अलग देशों से मिलने वाली बधाइयों का दौर जारी है और इन सब के बीच प्रधानमंत्री मोदी हर उस विभाग के लोगों से मिल रहे हैं, हर उस टीम से अलग अलग मुलाकात कर रहे हैं जिनकी अगुवाई में G20 में अहम भागीदारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका हौसला अफजाई भी कर रहे हैं। इसमें प्रधानमंत्री मोदी का दिल्ली पुलिस के 450 पुलिसकर्मियों के साथ डिनर का खास कार्यक्रम किया गया। दिल्ली पुलिस के मेरे सूत्र ये बताते हैं कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने इस बेहद खास कार्यक्रम के लिए हर जिले से उन पुलिसकर्मियों को चुना है जिन्होंने पीएम मोदी के साथ डिनर का मौका दिया, जिन्होंने G20 में बेहतरीन ड्यूटी दी है। ये मौका उन सभी पुलिस वालों के लिए जिंदगी भर याद रहने वाला है जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ डिनर करेंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि G20 को सुरक्षित तरीके से पूरा करवाने के लिए दिल्ली पुलिस ने बड़ी मेहनत मशक्कत की है। कई पुलिस वाले ये बताते हैं कि 3-4 दिन तक उन्होंने बिना घड़ी देखे लगातार काम किया है, सुरक्षा के तमाम इंतजाम पर बड़ी बारीकी से काम किया है, विदेशी मेहमानों की सुरक्षा उनकी सुविधा का ध्यान रखते हैं, पूरा प्लान तैयार किया है। 29 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, 14 अंतर्राष्ट्रीय की संस्थाओं के बेहतर खास मेहमानों के साथ रहने घूमने से लेकर कार्यक्रम से जुड़े सभी लोकेशन पर पूरी मैपिंग की गई, सारे मूवमेंट को लेकर तैयारियों का जांचा परखा गया है और 2-3 बार रिहर्सल भी किया गया है ताकि कहीं कोई कमी ना रह जाए। सब कुछ सही तरीके से कामयाब हो गया, संपन्न हो गया, पूरा हो गया। G20 जैसा मेगा ग्लोबल इवेंट शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ, इसीलिए इन सब की तारीफ भी लगातार बढ़ रही है। G20 की व्यवस्था संभालने वाले सारे लोग सम्मान के हकदार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के जवानों के साथ डिनर का कार्यक्रम रखा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी ने विदेश मंत्रालय की टीम से खास तौर से मुलाकात की है। G20 ने उनकी मेहनत को लेकर तारीफ की है। G20 के कामयाब आयोजन के लिए पीएम मोदी ने सभी को बधाई दी है। 12 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक सुषमा स्वराज भवन पहुंचे जहां G20 सचिवालय है। G20 सचिवालय में पीएम मोदी अधिकारियों से मिलेंगे, उनके साथ बातचीत की, उनके अनुभवों को जाना है। पीएम मोदी के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद रहे। G20 जैसे मेगा इवेंट का कामयाब होना, इसकी बधाई खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिलना है और इस व्यवस्था से जुड़े अधिकारी हर कर्मचारी के लिए यह खास लम्हा रहा है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि G20 की कामयाबी का असर शेयर बाजार में भी देखने को मिल रहा है। शेयर बाजार में निवेशकों का जोश हाई है, जोरदार खरीदारी देखने को मिल रही है। 10 सितंबर को G20 का कार्यक्रम पूरा हुआ। 11 सितंबर के दिन भारतीय शेयर बाजार के लिए ऐतिहासिक दिन रहा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स निफ्टी पहली बार 20,000 के आंकड़े को पार करने में कामयाब रहा। निफ्टी को 19,000 से 20,000 के आंकड़े को छूने में कुल 52 ट्रेडिंग सेशन लगे। अडानी समूह के स्टॉक बैंकिंग शेयरों में खरीदारी के चलते निफ्टी के माइनस्टोल हासिल किया है। वहीं बीएसई सेंसेक्स का एक बार फिर से 67,000 के पार जाने में कामयाब रहा है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि शेयर बाजार में देशी विदेशी निवेशकों की जोरदार खरीदारी के चलते निफ्टी में जबरदस्त उछाल देखने को हुआ। इंडिया यूरोप कॉरिडोर के ऐलान की वजह से इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन का शेयर भी, उसकी डिमांड बढ़ी है। भारत अमेरिका के बीच 6G को लेकर सहमति बनी है, उसका असर हुआ है। IT शेयरों पर दिखाई दे रहा है। TCS
इंफोसिस, विप्रो जैसी कंपनियों के शेयर की डिमांड में बढ़ोतरी दर्ज की गई है और G20 की कामयाबी का शोर शेयर बाजार में सुनाई दे रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि G20 की कामयाबी की चर्चा में हिंदी भाषा के विस्तार पर जोर से बात हुई है और यह तय माना जा रहा है कि G20 की कामयाबी में हिंदी का मान बढ़ेगा। हिंदी को दुनिया की भाषा बनाने की कवायद तेज हो गई है और भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है हिंदी। एक साल चलने वाले G20 के आयोजन का लाभ हिंदी को भी मिला है। हिंदी तेजी से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पोजीशन मजबूत कर रही है और वो दिन दूर नहीं जब संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के तौर पर हिंदी को मान्यता मिलेगी। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि एक तरफ जब हम G20 की कामयाबी की बात कर रहे हैं, कामयाबी का जश्न मना रहे हैं, जब एक तरफ हम G20 के असर की चर्चा कर रहे हैं, G20 के कामयाब आयोजन की वजह से हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहतर ग्लोबल इमेज की बात कर रहे हैं, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मैं नहीं भूलना चाहिए कि देश का माहौल इस वक्त पूरी तरीके से चुनावी हो चुका है। विधानसभा के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोर पकड़ चुकी हैं। बीजेपी को चुनौती देने के लिए इंडिया गठबंधन की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। इंडिया गठबंधन अपनी आगे की लाइन लेंथ सेट करने के साथ जुटी है। सीट शेयरिंग, साझा चुनावी रैलियां जैसे मुद्दों पर बातचीत हुई है। दिल्ली में शरद पवार के घर पर इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई और तमाम जो नेता थे एक सूत्र में एनसीपी प्रमुख शरद पवार के घर पर जुटे। सभी सदस्यों ने सीट शेयरिंग जैसे मुश्किल मुद्दों पर काफी ज्यादा माथापच्ची की है, काफी ज्यादा बातचीत की है और सीट शेयरिंग को लेकर गठबंधन की चुनौतियां कम नहीं है। दिल्ली, पंजाब, बंगाल ही नहीं, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में भी खींचतान देखने को मिल रही है। ऐसे में सीट शेयरिंग का मसला सबसे ज्यादा गंभीर है और साझा जनसभाओं को लेकर गठबंधन ने तस्वीर साफ की है कि पहली सभा में भोपाल में होगी। सभी सहयोगी दलों ने मिलकर लोकतंत्र की रक्षा का संकल्प लिया है। बैठक के बाद इंडिया गठबंधन की तरफ से अपनी तैयारियों के बारे में और क्या कुछ बताया गया है, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको सुनवाना चाहता हूं, आप सुनिए। द कमिटी डिसाइडेड टू होल्ड जॉइंट पब्लिक मीटिंग्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। द फर्स्ट पब्लिक मीटिंग विल बी हेल्ड एट भोपाल in the first week of October in the issue of rising prices, unemployment. इंडिया गठबंधन का जो भी बैठक हुआ है सफलता की ओर आगे बढ़ा है। सबकी एक ही आकांक्षा है कि देश भय के वातावरण से निकले, लोकतांत्रिक मूल्य जहां हरास होता दिख रहा है, जन सरोकार के सवाल जो भी कोई विपक्ष उठाता है उसके खिलाफ कार्रवाई की बात होती है, तो इससे देश को मुक्ति चाहिए। अब बेरोजगारी मुद्दा है कि नहीं, महंगाई मुद्दा है कि नहीं, किसान का सवाल है जो मुद्दा है कि नहीं, सीमा अगर असुरक्षित महसूस कर रहा है, स्केच जारी चीन बार बार कर रहा है, उस पर अगर सवाल होता है तो सत्ता पक्ष को मिर्ची लगती है। तो बैठ करके बात करनी चाहिए पॉलिटिकल पार्टियों से। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन की बैठक का बड़ा सियासी मुद्दा बनती है। पूरे दिन देश की सियासत में इसकी गूंज सुनने को मिलती है। इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक में टीएमसी की तरफ से अभिषेक बनर्जी नहीं आए, जनता दल यूनाइटेड की तरफ से लल्लन सिंह नहीं आ सके। सदस्यों का आना बड़ा सियासी मुद्दा बना, बीजेपी को विपक्षी एकजुटता पर चोट करने का बड़ा मौका मिला। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से कहा गया कि बैठक में कोई बड़ा नेता नहीं है, इंडिया गठबंधन की बैठक के दौरान कोई ना कोई नेता नाराज होता रहता है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको गठबंधन की बैठक पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात सुनवाना चाहता हूं, आप सुनिए कि गठबंधन पर वो किस तरीके से निशाना साध रहे हैं। शरद पवार और हेमंत सोरेन और एमके स्टालिन ये तीन लोग हैं, तो अगर शरद पवार हैं तो इसमें नीतीश कुमार क्यों नहीं है?
तो इसलिए इनको लगता है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी को दिखावे के लिए कमेटी है। और इस सीट शेयरिंग पर ये क्या निर्णय कर सकते हैं? सीट शेयरिंग तो राज्यों के अंदर होना है ना, कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में तो सीट शेयरिंग हो नहीं सकती है। अब बंगाल में क्या सीट शेयरिंग करेंगे? अभी चुनाव हुआ, बाई इलेक्शन CPM कांग्रेस के ज्वाइंट उम्मीदवार को 13,000 वोट आया, बुरी तरह से हार गया। केरल के अंदर बाई इलेक्शन में कांग्रेस और CPI एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। तो सीट शेयरिंग तो ये इस तरह की बैठकों में कर ही नहीं सकते। बहुत होगा तो कोई रैली वगैरह तय कर सकते हैं कि साहब यहाँ रैली करेंगे, वहाँ रैली करेंगे। बाकी जो चार कमेटी बनी अभी तक, ममता बनर्जी ने चार कमेटीज में कहीं भी अपना अनुमान, आज तो एक बात स्पष्ट है, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई कंसेंसस नहीं है, ना लोगों पर, ना नेता कौन होगा उस पर, नीति क्या होगी उस पर। केवल एक ही बात पर फुल कंसेंसस है और वो है कि कैसे हिंदुओं को देना है गाली ताकि मिले वोट बैंक की ताली। और इसीलिए आपने देखा होगा कि सनातन धर्म की समाप्ति से लेकर उदयनिधि के स्टालिन के बयान से लेकर प्रियांक खड़गे का बयान, ए राजा का बयान कि हिंदू धर्म एक मेनेस है, और इस पर पूरे गठबंधन की मूक सहमति जिस प्रकार से सामने आई है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, जैसे जैसे लोकसभा चुनाव करीब आ रहा है, सत्ता पक्ष विपक्ष की चुनावी तैयारियां तेज हो रही हैं। G20 जैसे बड़े मसलों के साथ छोटे छोटे मुद्दों पर सियासी खींचतान बढ़ती जा रही है और ये खींचतान लगातार बढ़ती जाएगी, क्योंकि 2024 के चुनाव नजदीक है और जब तक खींचतान नहीं होगी किसी मुद्दे का हल नहीं निकलने वाला है। तो ये थी राष्ट्रीय आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ, कल रात 9 बजे फिर होगी मुलाकात।